नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बालाजी एवियरी पे। आशा करती हूँ आप सब सही होंगे, आपके पेट्स यानी आपके बर्ड्स भी सही होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था कि सर्दियाँ आने ही वाली है, तो आप अपने बर्ड्स को कवर रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बर्ड जो है वो इतनी सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो उससे उसकी तबीयत ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। अब इन दिनों सर्दी बढ़ गई है, तो आशा करती हूँ आपने अपने जो केज वगैरह हैं वो कवर कर लिए होंगे। खैर, बात करते हैं वीडियो की। आज वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने वेस्ट मटेरियल से या यूज्ड मटेरियल से जो बर्ड्स खा के पिंजरे में गिरा देते हैं, सीड्स हो गए या कुछ भी कंगनी हो गई या पैलेट्स हो गए, इनके थ्रू आप उनके लिए एक फूड बार या एक प्रोटीन बार कैसे बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या यूज़ होना है, मैंने कहाँ से कलेक्ट किया है या उसको मैंने कैसे निकाला है, या वो किस तरीके से एक वेस्ट मटेरियल के थ्रू हम ये बनाने वाले हैं, वो वेस्ट मटेरियल कैसे है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अपने फर्स्ट इंग्रेडिएंट की। सबसे पहले हमने लेना है ओट्स। ओट्स देखिए दोस्तों, प्लेन ओट्स लेना है आपने, ये क्वेकर कंपनी का ओट्स आते हैं, या प्लेन ओट्स लेंगे, ये बिल्कुल प्लेन ओट्स हैं, इसमें कोई फ्लेवर एडिड नहीं है, कोई मसाला एडिड नहीं है, प्लेन ओट्स लेना है। याद रखिएगा दोस्तों, मसाला ओट्स नहीं लेना है, सिर्फ प्लेन ओट्स लेना है। दूसरा इंग्रेडिएंट है दोस्तों हमारा आटा, जो हम सबके घरों में होता ही है, यूजुअली सभी खाते हैं, तो हमने ये आटा लेना है, ज़्यादा नहीं, इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम ही रखनी है, और ये ऑल पर्पस फ्लार है तो इसको थोड़ा कम ही यूज़ करें। इसको बस हम बेसिकली फूड बार को बांधने के लिए यूज़ करने वाले हैं, तो बस एक ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें नमक ऐड ना हो, क्योंकि बर्ड्स के लिए नमक ठीक नहीं होता। दूसरा हमने लिया है दोस्तों वाइट तिल। वाइट तिल हमने इसलिए लिया है क्योंकि अभी सर्दियाँ चल रही है और सर्दियों में तिल खाने अच्छे होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, और तिल से क्या है थोड़ी गर्मी बनी रहती है बर्ड के शरीर में, अचानक से ज़्यादा सर्दी नहीं लगती है उसको, उसकी बॉडी में गर्मी बनी रहती है, तो ठीक है दोस्तों। साथ ही में मैंने लिया है ये मिक्सचर। ये मिक्सचर जो है मैं अपने बर्ड्स को देती थी खाने को रोज़, सीड्स इसी तरीके के, ये जो आप सनफ्लावर सीड देख रहे हैं इस टाइप के, या इसको मिक्स करके, इसमें और भी मिक्स सीड आता है जो, तो वो देती थी मैं, तो मेरे बर्ड्स जो हैं वो इस तरीके से खा के नीचे गिरा देते थे आधा आधा, तो ये मैंने वही छाट रखा है दोस्तों, छिलके छिलके मैंने अलग कर लिए हैं इसके, और ये जो है अब उसका चूरा बच गया है। साथ ही में मैंने लिए हैं थोड़े से छोटे सनफ्लावर सीड, क्योंकि आप अगर बर्ड्स पालते हैं तो आपको मालूम होगा, या नहीं भी पालते तो मैं बता देती हूँ, ये जो सीड है ये कॉकटेल भी खाता है, कॉर्न्यूर भी खाता है, बड़े बर्ड्स को भी आप दे सकते हैं चाहें तो, छोटे बड़े दोनों सनफ्लावर सीड अवेलेबल होते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, आप क्या देना चाहते हैं। बाकी स्मॉल सनफ्लावर सीड हैं ये भी, मैंने जो मेरे कॉर्न्यूर्स हैं उन्होंने खा के छोड़ दिया था, आप देख ही रहे होंगे इसमें कुछ चूरा भी है, कुछ बाकी चीज़ें भी मिक्स हैं, कुछ छिलके भी हैं, कुछ आधे टूटे हुए बीज भी हैं, तो इसी तरीके से मैंने इसको भी इकट्ठा किया है। साथ ही में मैंने लिया है दोस्तों थोड़ी सी मोटी कंगनी, इसको हम जो कॉकटेल के लिए बनाएंगे बार्स, उसके ऊपर हमने उसको एक जैसे मैरिनेट कर देते हैं उस टाइप से करना है, जिससे कि, या मिक्स कर देना है आधा, जिससे कि क्या होगा कि बर्ड इसको चाव से खाएगा और उसके अंदर प्रोटीन और मल्टीविटामिन्स वगैरह हर चीज़ उसके अंदर कंप्लीट होगी, न्यूट्रिशन जो है वो कंप्लीट रहेगा। और साथ में ही मैंने आपको जैसे बताया कंगनी के लिए, उसी तरीके से मैंने बड़े सनफ्लावर सीड लिए हैं ताकि मैं ये अपने बड़े बर्ड्स के लिए भी बना सकूं। चलिए दोस्तों, इसको बनाना शुरू करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। सबसे पहले दोस्तों हमें चाहिए एक चम्मच ओट्स, एग्जैक्ट एक चम्मच ले लीजिएगा आप, इससे आपको अंदाज़ा रहेगा, एक चम्मच ओट्स लेने हैं। साथ ही में दोस्तों ये चीज़ याद रखिएगा, अगर आपने एक चम्मच ओट्स लिए हैं तो जो आप आटा लेंगे वो उससे आधा लेंगे, जैसे मैं यहाँ पे हाफ चम्मच ही आटा लेकर आई थी, ये हमने हाफ स्पून आटा मिक्स कर लिया इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, ज़्यादा पानी नहीं डालना है दोस्तों, बिल्कुल थोड़ा सा ही डालेंगे, जिससे कि ये मिक्स हो जाए अच्छे से,
एक दूसरे में मैरिनेट हो जाए, मिक्स हो जाए अच्छे से, सूखा ना रहे बिल्कुल भी। ये देखिए दोस्तों, इसको सारे को आप ढंग से मिक्स कर लीजिएगा जिससे कि एक दूसरे के साथ जुड़ जाए, अलग अलग कोई चीज़ ना रहे। इसको ऐसे प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि ओट्स जो है वो थोड़ा फूल जाता है। अगर आपने ओट्स बनाए हों कभी तो आप देखिएगा ओट्स जो है वो काफ़ी फूल जाता है, बड़े हो जाते हैं ये ओट्स। ये देखिए दोस्तों, ये जो है ढंग से मिक्स हो चुका है। अब इसके अंदर हमने डालना है अपना ये वेस्ट, जो हमारे लिए, हमारे बर्ड्स के लिए वेस्ट है, ये मिक्स सीड। थोड़ा सा मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। आपको जितना प्रोटीन बार बनाना है आप उसके अकॉर्डिंग इसको डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको मिक्स कर लेंगे सही से। देखिए ये काफ़ी सूखा सूखा सा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ये थोड़ा सॉलिड ही रहे तो ज़्यादा बेटर है जिससे कि आप इसको आगे जाके शेप दे पाएँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, आप पानी बाद में भी मिला सकते हैं। मैं अभी पानी नहीं मिला रही हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा टाइट ही चाहिए। ये देखिए दोस्तों, थोड़ी सॉलिड फॉर्म हो गई है इसकी, हल्की सॉलिड, कंप्लीट सॉलिड नहीं कह सकते हैं, थोड़ी हल्की सॉलिड टाइप की हो गई है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें थोड़े से ऐड करेंगे सफ़ेद तिल, थोड़े से बिल्कुल, क्योंकि ये सफ़ेद तिल हमने इसके ऊपर लगाने हैं तो अंदर भी हम थोड़े से डाल देंगे जिससे कि बर्ड अगर ऊपर से ऊपर ऊपर से खा लेता है और खा के या उसको वैसे ही नीचे गिरा देता है तोड़ तोड़ के, तो सारे तिल नीचे ना गिरे, कुछ वो खा भी पाए। ठीक है दोस्तों, आप चाहे तो ये पैलेट्स, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप ये डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐड कर दीजिए, थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए। मैं एक एक चीज़ डाल के इसलिए मिक्स कर रही हूँ ताकि ये सही से मिक्स हो और आप सही से इसको समझ पाएँ। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा कलरफुल हो गया ये डालने से, बर्ड जो है वो कलरफुल चीज़ों से ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। अगर आप उसको सिर्फ सादी चीज़ें देंगे तो वो इतना अट्रैक्ट नहीं होगा जितना वो कलरफुल से ऐड हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, उसका ध्यान जो है वो इधर ही रहेगा। फिर चाहे वो खेलने के पर्पज़ से रहे या खाने के पर्पज़ से रहे। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा सॉलिड फॉर्म हो गया और भी ज़्यादा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर हम थोड़ा सा डाल लेंगे स्मॉल सनफ्लावर सीड्स, ज़रा से बिल्कुल थोड़े से डालेंगे क्योंकि इसमें हमने ऑलरेडी काफ़ी सारा जो चूरा है सनफ्लावर सीड का वो भी डाल दिया है, प्लस में सनफ्लावर सीड भी डाले हैं, पैलेट्स भी डाले हैं, मिलेट्स भी मिक्स हो गए हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, और अगर आप ये कॉकटेल के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें कंगनी ऐड कर सकते हैं, नहीं बना रहे हैं तो इसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है कंगनी वगैरह, क्योंकि बड़े बर्ड्स या कॉर्नियर्स जो हैं वो कंगनी नहीं खाते हैं, वो जो है सिर्फ सनफ्लावर सीड या मिक्स सीड ही खाते हैं। ये हम स्पून से उतार लेते हैं जिससे कि कुछ भी वेस्ट ना हो। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, इसकी शेप आप स्पून से भी दे सकते हैं, आप चाहें तो हाथों से भी दे सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने एक बार टाइप की बना ली है स्पून से ही जिससे कि मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ये इतने लिक्विड भी नहीं थी कि इसको हाथ से बनाया जाए तो मैंने बना ली है। बाकी अगर आपको इसको वैसे करना हो हाथ से तो आप इसको ऐसे अपने हाथ से कोई भी शेप दे सकते हैं, डजेंट मैटर आप कौन सी शेप देना चाहते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बर्ड कभी भी शेप्स नहीं देखता, उसको सिर्फ खाने से मतलब है, बस देखने में वो चीज़ अच्छी होनी चाहिए। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको एक बॉक्स टाइप का, रेक्टेंगुलर टाइप की शेप दी है,
ठीक है दोस्तों। अब इसके ऊपर हमने क्या पेस्ट करना है, थोड़े से सफेद तिल, ठीक है दोस्तों। ये देखिए आपको सफेद तिल नजर आ रहे होंगे, ये थोड़ी सी बार टूट गई है, इसको आप पेस्ट कर लें वापस से, क्योंकि हमने पानी में मिक्स करके बनाई है इस वजह से ऐसे टूट रही है। ठीक है दोस्तों, अब इसके ऊपर हम थोड़े से पैलेट्स लगा लेते हैं जिससे कि और कलरफुल हो सके। ठीक ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये है हमारी प्रोटीन बार को हमने शेप दे दी है एक। अब हमें क्या करना है, जो मेन पॉइंट है जो मैं आपको बता दूं, आपके पास देखिए कई लोग अपने पिंजरे में कटल बोन भी लगाते हैं या बाकी चीज़ भी लगाते हैं जिसे हम समुद्री झाग बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगर आपके पास उसका चूरा बचता है या बर्ड उसको काट काट के नीचे गेर देता है तो आप वो भी लगा सकते हैं इसमें, या वो भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्लस में आप इसके अंदर दो दो ड्रॉप्स कैल्शियम और मल्टीविटामिन के भी ऐड कर सकते हैं जिससे कि आपको अगर लगता है बाय चांस कि बर्ड के अंदर किसी भी चीज़ की कमी है या कुछ भी है, या आप उसको एडिशनल में देना चाहते हैं तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, चार बूंदों में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, आप बड़े बर्ड्स के लिए बना रहे हैं तो आप कंगनी मत ऐड कीजिएगा, और अगर छोटे बर्ड्स के लिए बना रहे हैं तो कंगनी ऐड कर लीजिएगा जिससे कि वो प्रॉपर खाएं, क्योंकि बर्ड्स जो हैं वो कंगनी को बड़े शौक से खाते हैं, छोटे बर्ड्स जैसे बजीज और कॉकटेल, तो आप इन्हें ऐड कर सकते हैं। आप खाने को तो दें ही, लेकिन इसमें भी ऐड करें जिससे कि बर्ड थोड़ा अट्रैक्ट हो। देखिए दोस्तों, ये कितनी कलरफुल हो गई है, इसमें सारी वो चीज़ें हैं जो हमें अपने बर्ड्स को देनी चाहिए, कुछ लोग देते भी हैं। हाँ, और एक और बात दोस्तों, ये उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने तीन चार पेयर ही घर पे पाल रखे हैं, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगता है सीड छाटने में, क्योंकि काफ़ी सारा गंद हो जाता है, आप तो जानते ही हैं कि बर्ड्स के छिलके वगैरह भी हो जाते हैं खाने के, या उनकी पूप वगैरह भी साफ़ करनी होती है, सब कुछ देखना होता है, तो ये काफ़ी टाइम टेकन है जो सीड छाटने की प्रोसेस है। कोई बात नहीं दोस्तों, जो आपने घर पे बर्ड्स पाले हुए हैं, पाँच या चार पाँच पेयर पाले हुए हैं, ये उनके लिए है, ये उनके लिए बिल्कुल नहीं है जो बड़े बड़े सेटअप डाल के बैठे हैं या जिनके बहुत बड़े बड़े सेटअप हैं या वो ब्रीडर्स हैं, ये उनके लिए बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप घर पे बर्ड्स पालते हैं अपने शौक के उससे, शौक के पर्पज़ से, या आपको पसंद है पालना और आप वेस्टेज नहीं करना चाहते हैं ज़्यादा, तो आप अपने जो आपकी वेस्टेज है बर्ड से खाई हुई, या उन्होंने छोड़ दिया खा के आधा या कुछ भी है, तो उसके थ्रू आप ये बना सकते हैं। अब क्या करना है दोस्तों, हमें इसको करना है माइक्रोवेव, नॉर्मल टेम्परेचर पे माइक्रोवेव कीजिएगा आप इसको। कम्प्लीटली माइक्रोवेव नहीं करना है हमने कि आप 5 से 10 मिनट के लिए डाल दें, ऐसा नहीं करना है। इसको क्या करना है, हमने 1 मिनट पहले माइक्रोवेव करना है, फिर इसको हमें बाहर निकाल के ठंडा कर लेना है जिससे कि ये टाइट हो जाए। ठीक है दोस्तों, वैसे 1 से 2 मिनट में ये टाइट हो ही जाता है, मैंने पहले बनाया हुआ है, ये 1 से 2 मिनट में टाइट हो जाता है, ठोस हो जाता है एकदम, जो बर्ड्स को खाने में अच्छा लगता है। मैं अपने बर्ड्स को यही बनाकर देती हूँ और वो बड़े चाव से खाते हैं। बाकी इसको 1 मिनट माइक्रोवेव करके, फिर इसको कंप्लीट ठंडा करके 1 मिनट और माइक्रोवेव करके फिर ठंडा करना है, जब तक ये सख्त नहीं हो जाता दोस्तों, हमें यही प्रोसेस करना है। चलिए इसको माइक्रोवेव करके मैं आपको दिखाती हूँ।
मैंने इसको माइक्रोवेव कर लिया है और अभी से इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी हार्ड हो गई है। ये देखिए प्रेस नहीं हो रहा है मेरे से। देखिए दोस्तों ये तिल थोड़े से चिपक रहे हैं, ये जब ठंडा हो जाएगा कंप्लीट तो ये तिल भी नहीं उतरेंगे। ये देखिए दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी शेप नहीं बिगड़ी है, तो ये सॉलिड हो गया है। ये जैसे जैसे ठंडा होगा ये और टाइट होता रहेगा। और बाकी आप इसको अपने किसी भी बर्ड के केज में लगा सकते हैं, किसी को किसी भी बर्ड को दे सकते हैं, ये किसी भी टाई बैंड से या किसी भी चीज़ से इसको बांध सकते हैं जिससे कि बर्ड इसको खाता रहे धीरे 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 धीरे, कैल्शियम बार की तरह या एक फूड बार की तरह इसको खाता रहे। और इससे क्या होगा दोस्तों, ना आपको बाहर से कुछ परचेज़ करने की ज़रूरत है, ना कुछ एक्स्ट्रा खर्चा करने की ज़रूरत है, ये आप नॉर्मल घर में बना सकते हैं। और आप चाहें तो इसमें कैल्शियम और विटामिन्स के दो दो ड्रॉप ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। वैसे कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आपने देखा होगा मैंने भी कुछ ऐड नहीं किया है, लेकिन अगर किसी के पास कुछ इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं तो आप प्लीज़ ऐड करें जिससे कि इसमें कोई कमी ना रहे। वैसे जो इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें कोई कमी रहने की आशंका नहीं है, ये एक कंप्लीट न्यूट्रिशन बार बन चुका है बर्ड्स के लिए, तो आप इसको अपने केज में इजीली लगा सकते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरा ये तरीका पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, या वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए। और किसी भी दोस्त को, किसी भी इंसान को या किसी भी आपके दोस्त को ज़रूरत है ऐसी वीडियोस को तो उनको शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।